वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। 8 में काफी एजेंडे में नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी भी शामिल। अंदरूनी मुल्क असासे 4% और बैरूनी मुल्क असासे 6% टैक्स अदा करके कानूनी किए जा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF मॉक डे और एमनेस्टी स्कीम पर पार्टी अरकान को एतमाद में ले लिया। कश्मीर में अफसोसनाक सानहा, टोल प्लाजा के करीब वर्न का सिलेंडर फटने से आग लग गई। 5 अफराद झुलस कर जान बहक, 8 जख्मी। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। जख्मियों और लाशों को कश्मीर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा धमाके में शहीद 4 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा। वजीर आला जाम कमाल, सूबाई वज़रा और पुलिस अफसरान की शिरकत। सेटेलाइट टाउन में मोटरसाइकिल में नस बारूदी मवाद फटने से 4 जवान शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। सदर, वजीर आजम समेत सियासी क्यादत की मजम्मत। डेरा मुराद जमाली के इलाके गोट नजीर मंचू में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक सिंध के इलाके टंडू आदम से है। लंदन में मौजूद इलाज के लिए शहबाज शरीफ की मेल मुलाकातें, पार्टी की तंजीम साजी के लिए मुशावरत। पाकिस्तान से कई अहम शख्सियात को भी लंदन बुला लिया। मुस्तफा रमते को अहम टास्क दे दिया गया। साबिक एडवोकेट जनरल को कुछ दस्तावेजात के अलावा एक बड़ा थैला भी दिया गया। समंदर में ड्रिलिंग मुकम्मल, तेल और गैस की हकीकी मकदार का तयन शुरू। जखीरे की मालियत 10 अरब डॉलर होने पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाएगा। जेरे समंदर 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद होने का अंदाजा। जखायर की दरियाफ्त से मुल्की बरामदात का बिल 6 अरब डॉलर कम हो जाएगा।